हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल इजी। लास्ट क्लास में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में हमने फाइन ग्रेन सॉइल का क्लासिफिकेशन कर लिया था, है ना। और सॉइल जो हमारी फाइन सॉइल है, फाइन सॉइल का क्लासिफिकेशन जब किया था तो किसकी हेल्प से किया था हमने, प्लास्टिसिटी चार्ट की सहायता से किया था। अब हमारा जो बचा हुआ है, इस पर क्या बचा हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल, है ना। कोर्स ग्रेन सॉइल को हमको क्लासीफाई करना, तो फाइन ग्रीन सॉइल पे हमने जो क्लासिफिकेशन किया था बेसिकली प्लास्टिसिटी चार्ट के हिसाब से किया था। उस पर हमने देख लिया था कि हमारा क्ले ए लाइन के ऊपर होगा और सिल्ट और ऑर्गेनिक सॉइल हमारी कहाँ होगी, क्ले लाइन के नीचे होगी। अब यदि हम बात करते हैं, हम बेसिकली जब हम कोर्स ग्रीन सॉइल की बात करते हैं तो कोर्स ग्रीन सॉइल पे हमको जो क्लासिफिकेशन करना है वो किसका करना है, कोर्स ग्रीन सॉइल के अंतर्गत हमारी क्या आती है, एक तो ग्रेवल होता है और एक सैंड होता है ना। बेसिकली यदि हम बात करते हैं तो ग्रेवल और सैंड की ही बात करते हैं हम, है ना। तो उसी का हमको क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना। तो हमको पता है जो ग्रेवल का साइज होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 80 mm से 4.75 mm तक, 80 mm से 4.75 mm तक। इसके बाद यदि हम बात करते हैं कि हमारा जो सैंड होता है, सैंड का साइज कहाँ से होता है, 4.75 mm से हमारा कहाँ तक होता है, 75 micron की सीव तक या 75 micron तक। अब हमने जो क्लासिफिकेशन किया है कोर्स ग्रीन सॉइल का और फाइन ग्रीन सॉइल का, तो उसके लिए जो हमारी बाउंड्री शेप थी वो कौन सी थी, 75 micron की। यदि हमारी 50% या 50% से ज़्यादा जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे 75 micron पर रिटेन होंगे तो वो क्या हो जाएगी, हमारी कोर्स ग्रीन सॉइल हो जाएगी। और जो इससे पास हो जाएंगे 50% से ज़्यादा, यदि हमारे 75 micron से पास हो जा रही हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फाइन ग्रीन सॉइल बोलेंगे, है ना। ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली थी लास्ट लेक्चर में। तो हमको बेसिकली बात करनी है ग्रेवल और सेंट के बारे में। तो जो हमारा कोर्स ग्रीन सॉइल है उसका जो क्लासिफिकेशन होगा वो किसके बेस पर होता है, तो इसका जो क्लासिफिकेशन होता है वो परसेंटेज फाइंस के हिसाब से होता है ना। परसेंटेज फाइंस पर डिपेंड करता है कोर्स ग्रीन सॉइल का क्लासिफिकेशन। अब परसेंटेज फाइंस का मतलब क्या होता है, परसेंटेज फाइंस का मतलब यह है कि हमारे जो पार्टिकल 75 micron की सीव से क्या हो जा रहे हैं, पास हो जा रहे हैं। ऐसे पार्टिकल्स जो 75 micron से पास हो जा रहे हैं उनको हम परसेंटेज फाइनर में रखेंगे। अब इसका क्लासिफिकेशन तीन तरीके से किया गया है कि यदि हमारे जो परसेंटेज फाइंस हैं, है ना, वो हमारे यदि लेस देन 5%, देखो है तो हमारी कोर्स ग्रीन सॉइल ही, कोर्स ग्रीन सॉइल पर हमारी टोटल यदि हम बात करें तो कोर्स ग्रीन सॉइल क्या होती है, जो कि हमारी 75 micron के ऊपर यदि 50% या 50% से ज़्यादा रिटेन है तो हमारी क्या सॉइल, कौन सी सॉइल होगी, कोर्स ग्रीन सॉइल होगी। इसमें भी कुछ मात्रा में क्या होता है कि परसेंटेज फाइन, मतलब हमारे यदि बात करें 75 micron से कम के पार्टिकल्स इस सॉइल में कुछ मात्रा में मौजूद होते हैं। अब वो उसी के बेसिस पे ही हम डिसाइड करेंगे कि हमारी जो सॉइल है उसका क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया, कि यदि हमारे परसेंटेज फाइंस यदि बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो हम उसको किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे, यदि हमारे परसेंटेज फाइंस क्या है, बहुत कम है, तो हम उसको किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे। तो उसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड करके रखा है कि यदि हमारे जो परसेंटेज फाइंस है वो लेस देन 5% है, लेस देन 5% का मतलब है कि हमारी जो कोर्स ग्रीन सॉइल होगी, कोर्स ग्रीन सॉइल पर जो परसेंटेज फाइंस, मतलब जो 75 micron से कम के पार्टिकल्स हैं, है ना, उनका जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। जब उनका परसेंटेज कम होगा, मतलब 5% से कम होगा उनका परसेंटेज, तो उनका इफेक्ट भी हमारी सॉइल पे क्या होगा, कम होगा। जो हमारी कोर्स ग्रेन सॉइल है उस पर परसेंटेज फाइंस का इफेक्ट भी हमको कम देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला हमारा परसेंटेज फाइंस यदि लेस देन 5% है। सेकेंड कंडीशन की यदि हम बात करेंगे, हमारे परसेंटेज फाइंस ग्रेटर देन 12% है, परसेंटेज फाइंस कितना हमारा, ग्रेटर देन 12%। अब यदि परसेंटेज फाइंस हमारे ग्रेटर देन 12% है तो कहाँ तक जा सकते हैं, है ना, कि हमारी कोर्स ग्रीन सॉइल तो होगी ही होगी क्योंकि हम कोर्स ग्रीन सॉइल का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। अब कोर्स ग्रीन सॉइल में तो 50% तो हमारे कोर्स पार्टिकल तो है ही, मतलब 75 micron से ऊपर, है ना, जो रिटेन हो रहे हैं 75 micron पे, तो 50% तो वो पार्टिकल्स हैं ही, लेकिन जो परसेंटेज फाइंस है उसका परसेंटेज कहाँ तक वेरी कर सकता है, ग्रेटर देन 12% का मतलब ये कहाँ तक जा सकते हैं, 49.99% तक जा सकते हैं। जब ये 49% तक जा सकते हैं तो हम बोलेंगे कि ऐसी सॉइल पे हमको सिल्ट और क्ले का इफेक्ट देखने को ज़्यादा मिलेगा, है ना। नेक्स्ट तीसरा क्लासिफिकेशन हमने किया हुआ है कि यदि जो हमारे परसेंटेज फाइंस हो 5% से 12% है तो किस तरीके से क्लासीफाई करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं परसेंटेज फाइन लेस देन 5%, है ना। जो परसेंटेज फाइननेस है हमारे लेस देन 5% है, जब लेस देन 5% है तो उस पर बेसिकली यदि हम बात करें तो ज़्यादा मात्रा में जो मिलने वाली है हमको कोर्स सॉइल ही मिलने वाली है। अब जब परसेंटेज फाइन 5% है हमारे, तो इसको किस तरीके से क्लासिफाई किया, तो सबसे पहले हमारे पास जो कोर्स ग्रीन सॉइल है, कोर्स ग्रीन सॉइल बता दिया क्या होती है, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, ग्रेवल एंड सैंड पे। तो या तो ग्रेवल होगी या तो
सेंड होगी। अब इस पर जो यदि हम बात करते हैं, पहले बात कर लेते हैं, इस पर ग्रेवल को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है और सेंड को भी दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। वो किसके बेसिस पर? परसेंटेज फाइन्स के हिसाब से। परसेंटेज फाइन के हिसाब से किस तरीके से? कि जैसे यदि हम बात करते हैं कि क्योंकि हमारी जो है, हम बोल सकते हैं लेस देन 5% हमारे के यहाँ परसेंटेज फाइन्स हैं, मतलब हम बोल सकते हैं कि 95% तो ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि 75 माइक्रोन पर रिटेन हो चुके हैं, मतलब हमारे मैक्सिमम जो है वो कोर्स ग्रेन पार्टिकल्स हैं। तो अब यदि वो पार्टिकल्स हमारे, यदि हम बात करते हैं, या तो वो हमारे या ग्रेवल होंगे या तो वो हमारे क्या होंगे, सैंड होंगे, है ना। यदि हमारे पार्टिकल 74.75 mm में रिटेन हो रहे हैं तो क्या हो जाएगी, ग्रेवल हो जाएगी। यदि वो हमारे पार्टिकल 50% से ज़्यादा, यदि 50% से ज़्यादा हमारे 4.75% पे यदि रिटेन हो रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, वो क्या हो जाएंगे, हमारे ग्रेवल हो जाएंगे। यदि हमारे पार्टिकल्स हमारे 75 माइक्रोन की सीव में यदि पार्टिकल रिटेन हो रहे हैं 50% या 50% से ज़्यादा, बोल सकते हैं हम सीधे सीधे से कि 95% पार्टिकल्स हमारे कैसे हैं, सैंड के हैं। जबकि यदि हम बात करेंगे 5% पार्टिकल्स उसमें क्या मौजूद होंगे, फाइन वाले, है ना, मतलब 75 माइक्रोन से कम वाले। ऐसे यदि हम यहाँ पर बात करें तो 4.75 mm के सीव में से हमारे 95% पार्टिकल मिल रहे हैं, जबकि 5% पार्टिकल्स हमको फाइन मिल रहे हैं। उस कंडीशन पे यदि हम बात करें तो ग्रेवल हमारी हो गई और ग्रेवल के साथ हमारे पास क्या हो गई, सैंड हो गई। अब ऐसी कंडीशन बन सकती है कि या तो पार्टिकल्स एक से साइज के हों और इसमें 5% पार्टिकल्स कैसे हों, छोटे छोटे हों, है ना, इस तरीके से हों। या तो हम बोल सकते हैं कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ इस तरीके के होंगे कि है तो ये हमारे कोर्स है लेकिन इस पर भी कुछ रेंज हमको कुछ इस तरीके से मिल रही है, है ना, इस पर भी हमको रेंज कुछ इस तरीके से मिल रही है, मतलब छोटे पार्टिकल्स और बड़े पार्टिकल्स। तो इस कंडीशन पे हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, ग्रेवल को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है कि यदि एक सेम टाइप के मतलब वेल ग्रेडेड पार्टिकल्स हैं, वेल ग्रेडेड पार्टिकल्स हैं मतलब उस पर क्या होंगे, पार्टिकल्स की कुछ रेंज होगी, मतलब एक पार्टिकल छोटा फिर और बड़ा फिर और बड़ा फिर और बड़ा, इस तरीके से। तो ग्रेवल को जो डिवाइड किया हुआ है दो पार्ट में, एक तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल होती है और इसको क्लासीफाई कर दिया पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। अब ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं इसको किस तरीके से निकालते, तो ये हमारे वेल ग्रेडेड ग्रेवल और पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल डिसाइड होता है किसके बेसिस पे, CU एंड CC के बेसिस पे। यदि हमारी CU की वैल्यू ग्रेटर देन 4 है और CC की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक है तो हम बोल सकते हैं कि हमारी सॉइल जो होगी वो कैसी होगी, वेल ग्रेडेड ग्रेवल होगी। यदि हमारी CU की वैल्यू ग्रेटर देन 4 और CC की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक वेरी नहीं कर रही है, मतलब नहीं है, तो उस कंडीशन पे जो हमारी सॉइल होगी वो पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल हो जाएगी। हमने ग्रेवल को क्लासिफाई किया दो पार्ट में, एक तो हमारे पास हो जाएगी वेल ग्रेडेड ग्रेवल और एक हो जाएगी हमारे पास पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। और ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा CU और CC, है ना। ऐसे यदि हम बात करते हैं सैंड की, तो सैंड को भी दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक तो हमारे पास हो जाएगी वेल ग्रेडेड सैंड, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगी, ये ग्रेवल है, ये ग्रेवल है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, सैंड, और ये हो जाएगी सैंड। अब सैंड भी हमारी दो तरीके से हो सकती है, एक तो वेल ग्रेडेड सैंड हो सकती है या तो पुअरली ग्रेडेड सैंड हो सकती है। और ये कैसे डिसाइड होगा कि हमारी ये वेल ग्रेडेड सैंड है या पुअरली ग्रेडेड सैंड है, तो ये डिसाइड करेगा हमारा CU और CC की वैल्यू। यदि CU की वैल्यू ग्रेटर देन 6 है तो हम क्या बोलेंगे कि हमारी सॉइल कैसी है, वेल ग्रेडेड सैंड है। यदि CU की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 6 नहीं आ रही है और CC की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक नहीं है तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि हमारी जो सॉइल है वो क्या हो जाएगी, पुअरली ग्रेडेड सैंड हो जाएगी, है ना। इसको डिनोट कैसे करेंगे, जैसे हमने पहले ही बात किया था ये ग्रेवल है तो ग्रेवल को पहले G और वेल ग्रेडेड है इसलिए W, पुअरली ग्रेडेड है तो क्या आ जाएगा, GP, सैंड है तो S तो आएगा ही आएगा और साथ में क्या आ जाएगा, वेल ग्रेडेड है तो W आ जाएगा, पुअरली ग्रेडेड है तो P आ जाएगा। यह हो गया हमारे पास परसेंटेज फाइन्स यदि लेस देन 5% है। तो इस पे हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो सिल्ट है या क्ले का इफेक्ट है वो इस सॉइल पे नहीं आने वाला है यदि परसेंटेज फाइन लेस देन 5% होंगे। तो नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं सेकेंड तरीके से हमने क्लासिफाई किया इसको, तो परसेंटेज फाइन्स ग्रेटर देन 12%, परसेंटेज फाइन्स यदि ग्रेटर देन 12% है तो कहां तक जा सकते हैं, जो 75 माइक्रोन से कम के पार्टिकल हैं वो जा सकते हैं हमारे 49.99% तक, है ना। तो इस रेंज पे यदि हम बात करेंगे तो इस पे हमको देखो कोर्स पार्टिकल तो वैसे ही 50% है और साथ में हमारे पास 50% मान सकते हैं हम ग्रेटर देन 12%, तो हम बोल सकते हैं 49.99% तक परसेंटेज फाइन्स जा सकते हैं। तो जब दोनों को मिक्स करोगे तो इसमें अच्छा खासा इफेक्ट देखने को मिलेगा हमको सिल्ट का और क्ले का, है ना, मतलब सिल्ट और क्ले की प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। तो परसेंटेज फाइन्स यदि ग्रेटर देन 12% है तो इस कंडीशन पर अभी हमने सॉइल को क्या किया है, ग्रेवल और सैंड तो होगी ही होगी। अब इसको किस तरीके से क्लासीफाई किया हुआ है, इसको क्लासीफाई किया हुआ है जैसे हमारे पास ग्रेवल है तो ग्रेवल पे यदि हम बात करें कि हमारे जो ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, जो परसेंटेज फाइन्स है यदि उसमें क्ले मौजूद है तो उसको जो क्लासीफाई करेंगे कैसे करेंगे, क्ले ग्रेवल, कैसी हो जाएगी वो, क्ले ग्रेवल हो जाएगी। इसको हम क्ले ग्रेवल है इसलिए ग्रेवल है तो जी आ जाएगा और क्ले है तो हमारा क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब हमने बात की थी जो हमारी यदि क्ले आ रही है तो क्ले में हमारा
जो आईपी है मतलब प्लास्टिक इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। जब प्लास्टिक इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होती है तो वो वैल्यू कहाँ जाती है, हमारी ए लाइन के ऊपर जाती है। मतलब हम बोल सकते हैं जो आईपी की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 7 होगी। जैसे प्लास्टिसिटी चार्ट में हमने देखा था कि हमारे पास जो ए लाइन है, ए लाइन के ऊपर हमारा क्ले होता है और ए लाइन के नीचे हमारा क्या होता है, सिल्ट होता है, है ना। और जो आईपी की वैल्यू है हमारी ग्रेटर देन, यदि बात करें कि इस रेंज पे, तो हमको सीएल और एमएल वाली जो सॉइल है वो मिलती है। तो यदि हम बात करें कि यदि हमारा आईपी ग्रेटर देन 7 है तो वहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हमको क्ले मिल रही है। तो वही लिखा हुआ है कि इस हैश्ड एरिया से ऊपर ही हमको ये सॉइल मिलने वाली है, कौन सी, जी सी, क्योंकि ये क्ले है तो क्ले ग्रेवल हो जाएगी। और दूसरा यदि हमने इसको डिवाइड किया हो तो हमारे पास क्या जाएगी, सिल्टी ग्रेवल हो जाएगी। अब सिल्ट की यदि हम बात करें तो सिल्ट हमारी जनरली क्या होती है, सिल्ट हमारी क्या होती है, ए लाइन के नीचे। और प्लस हमको पता है कि यू लाइन के ऊपर कोई सॉइल नहीं मिलती, लेकिन यू लाइन के नीचे तो हमको सॉइल मिलती है। तो जनरली जो ये हैच्ड एरिया है हमारे पास, ये जो हैच्ड एरिया है, इसके नीचे जो सॉइल मिलेगी, यहां पर हमको क्या मिलेगी, सिल्ट मिलेगी। मतलब 4% से नीचे जो हमारी जो क्ले और सिल्ट का मिक्स रहता है 4% से लेकर 7% तक होता है। लेकिन यदि 4% से नीचे बात करेंगे तो सिल्ट होगी और 7% से ऊपर हमको क्या मिलेगी, क्ले मिलेगी। तो उसी आधार पर हमने इसको भी क्लासिफाई किया हुआ है कि जो क्ले ग्रेवल है वो ए लाइन के ऊपर होगी, या बोल सकते हैं इसी को कि ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट जहां पर लाइन हमारी हैश्ड एरिया के ऊपर है, है ना। इस एक ऐसे पॉइंट पर मिल सकती है हमको वो सॉइल जहां जो हमारी ए लाइन के ऊपर होगी, या हैश्ड एरिया के ऊपर हमको ये सॉइल मिलने वाली है। दूसरी चीज़ बोल सकते हैं कि आईपी की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगी, 7 होगी। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं सिल्टी ग्रेवल की, तो सिल्टी ग्रेवल, सिल्ट को हमने एम से शो किया था और ये है ग्रेवल, है ना। तो ग्रेवल का परसेंटेज ज़्यादा, तो ग्रेवल को हम कहाँ लिखे, पीछे लिखे, तो ये क्या आ जाएगा, जी। अब जिसका परसेंटेज ज़्यादा तो वो क्या कहाँ गई हमारी, जी ग्रेवल, जी एम, सिल्ट सिल्टी है इसलिए क्या जाएगा, सिल्टी ग्रेवल। ये कहाँ मिलेगी हमको, ए लाइन के नीचे मिलेगी। और दूसरी चीज़ यदि हम बात करें तो ये आईपी मतलब ये जो हमारा ये हैश्ड एरिया है इसके नीचे ये सॉइल हमको मिलने वाली है। तो ये हमारे पास हो जाएगी सिल्टी ग्रेवल और ये हो जाएगी हमको क्ले ग्रेवल। ऐसे ही हमने सैंड को भी क्लासिफाई किया हुआ है। सैंड में यदि परसेंटेज क्ले का ज़्यादा है तो क्ले सैंड हो जाएगी, और यदि सिल्ट का परसेंटेज ज़्यादा है तो क्या हो जाएगी हमारे पास, सिल्टी सैंड हो जाएगी। उसका भी क्लासिफिकेशन इसी तरीके से कि पॉइंट अबव ए लाइन यदि क्ले है तो क्ले यदि होगी तो सीधी सीधी से आईपी की वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगी और हैच्ड एरिया के ऊपर ही हमको ये सॉइल मिलने वाली है। सिल्ट की यदि बात आएगी तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सिल्ट के लिए ए लाइन के नीचे मिलेगी हमको ये सॉइल, और इसके लिए जो प्लास्टिक इंडेक्स की वैल्यू है वो कहाँ हो जाएगी, आईपी की वैल्यू हो जाएगी लेस देन 4। अब इनके बीच में भी हमको कोई ना कोई सॉइल मिलेगी, तो हम बोल सकते हैं कि जो सॉइल हमको मिलने वाली है वो इस तरीके की सॉइल मिल सकती है, जीसी और जीएम, क्योंकि हमको पता है जीसी ये है और जीएम। इसके लिए यदि हम बात करते हैं कि इन दोनों के लिए यदि इन दोनों को कंबाइन करके लिख दूँ तो एक ऐसी सॉइल मिल जाएगी जिसकी वैल्यू हमारी जिसकी वैल्यू के लिए हमारी आईपी की जो वैल्यू होगी वो 4% से 7% तक वेरी करेगी, है ना। और ऐसे यदि हम सेंट के लिए बात करें तो हमको एससी और एसएम एक ऐसी सॉइल मिलेगी ड्यूल नेमिंग वाली, जो कि जिसका जो आईपी की वैल्यू होगी 4% से 7% तक होगी। यहाँ तक की चीज़ क्लियर है, है ना। अगर यदि समझ पे ना आए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एक बार फिर से छोटा सा वीडियो बना के डाल देंगे। थर्ड क्लासिफिकेशन है हमारा कि हमारा जो सॉइल है उस पर जो परसेंटेज फाइंस है, परसेंटेज फाइंस है वो कैसे हमारे 5% से 12% के बीच में। अब जब 5% से 12% के बीच में परसेंटेज फाइंस है, है ना, तो इस पर हम बोल सकते हैं कि जो हमारी क्ले और सिल्ट का जो इफेक्ट है वो हो भी सकता है और नहीं भी देखने को मिल सकता। तो बेसिकली इन दोनों में यदि हमने देखा तो इसमें जो हमारा फाइन पार्टिकल्स हैं उसका ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिला था, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला था। ये एक ऐसी सॉइल होगी जिसमें परसेंटेज फाइनस 5% से 12% है, तो हमको कुछ हद तक हमको सिल्ट और क्ले का भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन इस पर यदि हम बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल रहा था हमको क्ले और सिल्ट का, मतलब परसेंटेज फाइंस, क्योंकि 12% बोल सकते हैं 49.99% तक हमारे क्या परसेंटेज फाइंस है जो कि 75 माइक्रोन से पास हो जा रहे हैं। तो उसी के बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन कर दिया। अब जो हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन है जिसमें परसेंटेज फाइंस हमारे 5% से 12% तक है, तो इसमें जो कोर्स ग्रेन सॉइल को डिवाइड किया गया है ग्रेवल और सैंड के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है, जैसे अभी तक कर रहे थे कि अभी तक ये ग्रेवल और सैंड, ग्रेवल और सैंड तो होगा ही होगा। अब यदि हम बात करें तो इसमें भी हमने देख लिया था वेल ग्रेडेड ग्रेवल और पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, जो हमने पहले देख लिया था। अब यहाँ पर यदि बात करते हैं कि 5% से 12% तक यदि हमारे परसेंटेज फाइंस है, तो उसको भी हमने क्या कर दिया है और इसको क्लासीफाई कर दिया है। किस तरीके से क्लासीफाई किया है, तो यदि हम बात करते हैं वेल ग्रेडेड ग्रेवल, तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल में भी हमारा क्या हो जाएगा कि क्ले और सिल्ट का इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब उसी के हिसाब से क्ले और सिल्ट के हिसाब से इसको जो क्लासीफाई किया हुआ है, तो सबसे पहले हम ग्रेवल की बात करेंगे देन फिर सैंड की बात करेंगे। तो ग्रेवल को भी इसने क्या कर दिया है, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा हमारे पास, वेल ग्रेडेड क्ले
वेल ग्रेडेड क्ले ग्रेवल है ना, वेल ग्रेडेड क्ले ग्रेवल, वेल ग्रेडेड क्ले ग्रेवल, ये हो जाएगी हमारे पास सॉइल। अब यदि हम इस पर बात करें तो इसको ये इसको हम बोलते हैं इस पर हमारा ड्वेल नेमिंग का फंडा जाता है, ड्वेल नेमिंग, क्योंकि यहाँ पर देख रहे थे सीधे सीधे से वेल ग्रेडेड सॉइल थी है ना, या वेल ग्रेडेड ग्रेवल थी, वेल ग्रेडेड सैंड थी, यहाँ पर एक ही नाम चल रहा था, यहाँ पर भी हमने देखा था तो क्या था हमारी क्ले ग्रेवल थी है ना। लेकिन यहाँ पर यदि बात करेंगे तो हमारे पास किसका इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है, वेल मतलब यदि हम बात करें तो परसेंटेज फाइंस में हमने देखा था वेल ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड, यदि हमारे जो परसेंटेज फाइंस थे वो लेस देन 5% थे उस जगह पर, यदि हमारे ग्रेटर देन 12% थे तो वहाँ पर हमने देखा था क्ले और सिल्ट का इफेक्ट, यहाँ पर हमारे इसका भी इफेक्ट आएगा और इसका भी इफेक्ट आएगा, मतलब ये वाली सॉइल भी होगी ही होगी, तो मतलब वेल ग्रेडेड ग्रेवल तो हमारी होगी होगी या तो पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल होगी। अब यदि इस पे बात करें तो इसको किस तरीके से क्लासिफाई किया, सबसे पहले तो सबसे पहले हमारी आ जाएगी वेल ग्रेडेड क्ले ग्रेवल, वेल ग्रेडेड क्ले ग्रेवल। अब फिर से यहाँ पर टर्म आ गया है क्ले, यहाँ पर फिर से क्या आ गया है, टर्म एक आ गया है क्ले, और क्ले यदि टर्म आ जाता है तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारी सॉइल है ये ना उसका प्लास्टिसिटी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब प्लास्टिसिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी मतलब आईपी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। दूसरी चीज़ यदि हम बात करें वेल ग्रेडेड, तो वेल ग्रेडेड टर्म आया मतलब हम वेल ग्रेडेड डिसाइड कैसे करेंगे कि हमारी जो CU की वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, और CC की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से लेकर 3 के बीच में होनी चाहिए। और ये पता है कि CU क्या होता है और CC क्या होता है, ये अभी पहले भी हमने पढ़ चुके हैं। CU क्या होता है हमारा, कोफिशियंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, और CC क्या होता है, कोफिशियंट ऑफ कर्वेचर है ना। तो वही लिखा हुआ हमारे पास वेल ग्रेडेड क्ले ग्रेवल में यदि हम बात करें तो ए लाइन के ऊपर मिलेगा और या तो हैश्ड एरिया के ऊपर मिलेगी वो सॉइल हमको, और CU की वैल्यू ग्रेटर देन होगी 4 से, और CC की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक होगी, IP की वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगी। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कि हमारे पास जो सॉइल है वो कैसी है, वेल ग्रेडेड ग्रेवल तो है ही, वेल ग्रेडेड सिल्टी ग्रेवल। अब यहाँ पर टर्म आ गया सिल्टी, यहाँ पर क्या था हमारे पास क्ले ग्रेवल था, यहाँ पर क्या है सिल्टी। अब यदि सिल्टी ग्रेवल की यदि हम बात करेंगे और है ये कैसी, वेल ग्रेडेड ही, तो CU की वैल्यू ग्रेटर देन 4 हो जाएगी और CC की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक हो जाएगी। सिल्ट है इस कारण से इसका जो IP होगा वो लेस देन 4% होगा, और जो हमको ये सॉइल मिलेगी कहाँ पर मिलेगी, हैच्ड एरिया, इस हैच्ड एरिया के नीचे मिलेगी है ना। तो सॉइल लाइन बिलो ए लाइन या बिलो हैच्ड एरिया, IP की वैल्यू लेस देन 4% और CU की वैल्यू ग्रेटर देन 4 और CC की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक हो जाएगी। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो फिर से इसको क्लासिफाई कर दिया, अब ये जो सॉइल हमारी कैसी हो जाएगी, पुअरली ग्रेडेड क्ले ग्रेवल, पुअरली ग्रेडेड क्ले ग्रेवल। अब फिर से यहाँ पर क्ले आ गया और ये पुअरली ग्रेडेड, तो पुअरली ग्रेडेड का मतलब क्या हो जाएगा कि हमारी जो सॉइल है, सॉइल का जो CU और CC की वैल्यू है वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, मतलब नॉट ग्रेटर देन 4 और CC की वैल्यू 1 से लेकर 3 के बीच में ना हो है ना, या एक भी कंडीशन है इसमें से तो भी हमारा क्या है वो पुअरली ग्रेडेड भी हो जाएगी सॉइल है ना। और नेक्स्ट यदि हम बात करें क्ले आ गया, तो क्ले आने के कारण IP की वैल्यू ग्रेटर देन 7 हो जाएगी, और ये जो हमको जो सॉइल मिलेगी ये कहाँ पर मिलेगी, ए लाइन के ऊपर या हैश्ड एरिया के ऊपर। नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा, पुअरली ग्रेडेड सिल्टी ग्रेवल। अब यहाँ पर जो टर्म आ गया है वो है हमारे पास सिल्टी ग्रेवल। अब यदि ये सिल्टी ग्रेवल है तो IP की वैल्यू लेस देन 4%, यहाँ पर जो CU की वैल्यू ग्रेटर देन 4 नहीं होगी हमारी, ना तो हमारी CC की वैल्यू 1 से लेकर 3, यदि CC की वैल्यू 1, 2, 3 है भी और CU की वैल्यू यदि ग्रेटर देन 4 नहीं है तो भी हम क्या बोलेंगे, पुअरली ग्रेडेड सिल्टी ग्रेवल है ना। और IP की वैल्यू हमको कहाँ मिलेगी, लेस देन 4%, और सॉइल कहाँ है हमारी, ए लाइन के नीचे या लाइन अबव हैश्ड एरिया है ना, सॉरी यहाँ पर बिलो होगा क्योंकि ये हमारा लाइन बिलो हैश्ड एरिया, मतलब सिल्ट है इसलिए इस एरिया के हैश्ड एरिया के कहाँ मिलेगी, नीचे। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है, ओके। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, जैसे हमने ग्रेवल का क्लासिफिकेशन किया था वैसे ही हमने सैंड का भी क्लासिफिकेशन किया है ना, तो सैंड को सबसे पहले क्लासीफाई किया तो क्या हो जाएगा, वेल ग्रेडेड सैंड या पुअरली ग्रेडेड सैंड। अब जो वेल ग्रेडेड सैंड है, वेल ग्रेडेड सैंड को फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या हो जाएगी, वेल ग्रेडेड सैंड के साथ हमारी सैंड में यदि क्ले का परसेंटेज ज़्यादा है, सेकेंड चीज़ हम देखेंगे यदि सिल्ट का कंटेंट ज़्यादा है तो हमारी क्या हो जाएगी, सिल्टी सैंड हो जाएगी, और यदि क्ले का कंटेंट ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, क्ले ही सैंड हो जाएगी। तो इसी के बेसिस पर जो पहला क्लासिफिकेशन है हमारा क्या हो जाएगा, हमारे पास वेल ग्रेडेड क्ले सैंड। अब यहाँ पर हमने देखा कि सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या है, क्ले है। जब क्ले है हमारे पास तो क्ले होने के कारण हम समझ जाएंगे कि IP इसका क्या होगा, ग्रेटर देन 7 होगा
है ना, आई पी का क्या होगा, ग्रेटर देन 7% होगा। और यदि वेल ग्रेडेड की बात किया तो वेल ग्रेडेड जब कंडीशन है तो हमारा जो सी यू की वैल्यू हो जाएगी, सेंट की बात कर रहे हैं इसलिए जो सी यू की वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगी 6, और सी सी की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर 3 तक वेरी करेगी हमारी। तो हमारी किस तरीके की सॉइल हो जाएगी, वेल ग्रेडेड क्ले सैंड हो जाएगी, है ना। और ये सॉइल हमको कहाँ मिलेगी, ए लाइन से ऊपर या ऐसी ऐसी जगह पर मिलेगी या हैज्ड एरिया की, ये जो एरिया है हमारा इस हैज्ड एरिया के ऊपर मिलेगी। सेकेंड चीज़ यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, यदि सिल्ट के क्ले की, यदि क्ले का कंटेंट की जगह हमारा किसका कंटेंट ज़्यादा, सिल्ट का कंटेंट ज़्यादा है सैंड में, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वेल ग्रेडेड सिल्टी सैंड, वेल ग्रेडेड सिल्टी सैंड, वेल ग्रेडेड सिल्टी सैंड यदि है तो सिर्फ क्या हो जाएगा, सिल्ट होने के कारण आईपी की वैल्यू हो जाएगी लेस देन 4%। और जब आईपी की वैल्यू लेस देन 4% हो जाएगी तो हमको जो ये सॉइल मिलेगी किस एरिया में मिलेगी, जो कि हैज्ड एरिया के नीचे होगा, है ना, या हैज्ड एरिया ये तो इस हैज्ड एरिया के नीचे होगा, है ना, या ए लाइन के नीचे होगा। तो इस पर भी यदि हम बात करें, क्योंकि हमारी वेल ग्रेडेड है तो वेल ग्रेडेड होने के कारण क्या हो जाएगा, इससे सी यू की वैल्यू ग्रेटर देन 6 हो जाएगी और सी सी की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक वैरी करेगी। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, अब वेल ग्रेडेड की जगह हमारी सॉइल किस तरीके की हो गई है, वेल ग्रेडेड सैंड हो गई, सॉरी पुअरली ग्रेडेड सैंड हो गई। जब हमारी सॉइल पुअरली ग्रेडेड सैंड है तो पुअरली ग्रेडेड कब होगी सॉइल, जब सी यू और सी सी की जो वैल्यू है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। सेटिस्फाई नहीं होगी मतलब क्या है हमारा, कि सी यू की वैल्यू नॉट ग्रेटर देन 6 होगी, है ना, और सी सी की वैल्यू हो सकता है कि 1 से 3 के बीच में वेरी ना करे, तो कैसी हो जाएगी सॉइल हमारी, पुअरली ग्रेडेड हो जाएगी। और नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कि यदि इस पर जो परसेंटेज फाइंस है, यदि वो हमारे उस पर यदि परसेंटेज फाइंस में यदि हमारे 2 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल्स ज़्यादा हैं तो ये वो हो जाएगी क्ले। और यदि 2 माइक्रोन के पार्टिकल्स यदि रिटेन हो जा रहे हैं 2 माइक्रोन किसी में, जब 50% से ज़्यादा बात करते हैं यदि, या बोल सकते हैं इस तरीके से बोल सकते हैं हमारे, कि यदि ऐसे कि पार्टिकल्स हमारे 2 माइक्रोन के पार्टिकल्स में ज़्यादा रिटेन हो रहे हैं, ऐसे वाले पार्टिकल्स हमारे इस पर सैंड में मौजूद हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, सिल्ट हो जाएगा। तो उसी के हिसाब से हमने इसको क्लासीफाई कर दिया है कि पुअरली ग्रेडेड। अब यहाँ पर सी लिखा मतलब समझ में आ जाएगा कि ये क्या है हमारे पास, क्ले है, क्ले सैंड है। और एस एस से समझ में आ रहा है कि सैंड तो है ही, पुअरली ग्रेडेड सैंड है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि क्ले सैंड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पुअरली ग्रेडेड क्ले सैंड, पुअरली ग्रेडेड क्ले सैंड। अब यदि हम बात करें यहाँ पर क्ले है तो आई की वैल्यू ग्रेटर देन 7% हो जाएगी, और पुअरली ग्रेडेड है इसलिए सी सी एंड सी यू की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होगी। IP की वैल्यू ग्रेटर देन 7 है इसलिए ये एरिया हमको कहाँ मिलेगा, ए लाइन के ऊपर मिलेगा, या हैज्ड एरिया, हैज्ड जो हमारा एरिया है इसके ऊपर हमको ये सॉइल मिलेगी। नेक्स्ट यदि क्लासिफिकेशन की यदि हम बात करते हैं तो पुअरली ग्रेडेड सिल्टी सैंड, पुअरली ग्रेडेड सिल्टी सैंड। अब यहाँ पर टर्म आ गया है सिल्ट, तो सिल्ट यदि सिल्ट की बात करेंगे और पुअरली ग्रेडेड की बात करेंगे, तो पुअरली ग्रेडेड मतलब CU नॉट सेटिस्फाइंग, CU एंड CC नॉट सेटिस्फाइंग। यदि नेक्स्ट चीज़ बात करें तो हमारा क्या है, हमारे पास सिल्ट की यदि बात कर दी है तो IP क्या हो जाएगा, लेस देन 4% हो जाएगा, और सॉइल बिलो ए लाइन, मतलब जो ये सॉइल मिलेगी हमको ए लाइन के नीचे मिलेगी, है ना, या हैज्ड एरिया के नीचे मिलेगी। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं, ओके। उसके बाद कुछ पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं हम, है ना। IS क्लासिफिकेशन ने जो हमारी ये सॉइल का क्लासिफिकेशन किया था, है ना, तो उनको कितने पार्ट में डिवाइड किया है, या कितने ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, 18 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। ये क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम पे आ सकता है कि अकॉर्डिंग टू IS क्लासिफिकेशन सिस्टम, हम कौन सा सिस्टम पढ़ रहे थे अभी तक, IS क्लासिफिकेशन सिस्टम, है ना, IS क्लासिफिकेशन सिस्टम के हिसाब से सॉइल को कितने ग्रुप में बांटा गया है, तो 18 ग्रुप में इसको बांटा गया है। अब यदि 18 ग्रुप की बात करें तो कौन से 18 ग्रुप है, तो सबसे पहले जब हमने क्लासिफाई किया था तो सबसे पहला जो हमारा आ जाता है, ये 4 तो ये दिख रहे हैं आपको, सैंड को जो डिवाइड किया था, 4 ये हो जाएंगे, 4 ये हो जाएंगे, 8 ये हो गए हमारे पास, है ना। उसके बाद ये हो गया 9, ये हो गया 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, है ना, ये हमारे पास हो गया 16, और सैंड और ग्रेवल, तो ये 18 पूरे तरीके से यदि हम बात कर सकें तो 18 तरीके से इसको क्या है, 18 ग्रुप में इसको क्लासीफाई किया हुआ है, है ना। तो हमने इसको देख लिया कि सब परसेंटेज फाइंस के हिसाब से 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था, वो देख लिया था, उनके अंदर के जो ये ग्रुप है हमारे वो टोटल कितने हमारे 18 ग्रुप में इसको डिवाइड किया हुआ है। ऐसे यदि एक और संस्था है हमारी आस्थो, है ना, आस्थो का फुल फॉर्म क्या है हमारे पास, तो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल्स, ये इसका क्या है, इसका फुल नेम है, है ना,
इसके हिसाब से जो सॉइल को क्लासिफाई किया गया था A1 से लेकर A7 के ग्रुप में, तो इसको डिवाइड किया ही गया था। साथ में जो एक और ग्रुप नंबर एट में ऑर्गेनिक सॉइल को रखा गया था। कैसे सॉइल को? ऑर्गेनिक सॉइल के इस A1 से A7 तक जो सॉइल को क्लासिफाई इसने किया, उसके बाद जो ग्रुप एट है, ग्रुप एट में क्या कर दिया इसने? ऑर्गेनिक सॉइल को रखा हुआ था। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं? ओके, अब हम करेंगे इस पर बेस्ड क्वेश्चंस। हम क्वेश्चन देख रहे थे। क्वेश्चन है हमारे पास टोटल वेट ऑफ सॉइल सैंपल 10 kg का हमारे पास। उसके बाद जो हमारे पास जो रिटेन है 4.75 mm की सीव के तहत 3 kg, और जो हमारा जो सीव है, सीव 75 micron से जो पास हो गए वो कितने हमारे पास? 3.5 kg। इतना सॉइल सैंपल हमारा पास हो चुका है। लिक्विड लिमिट हमको गिवन है 40%, प्लास्टिक लिमिट हमको गिवन है 20%। सॉइल का नाम बताना है कि किस प्रकार की सॉइल है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को देख करने के लिए सबसे पहले देखते हैं क्या करना है हमको। तो सबसे पहले तो हमारे पास सॉइल सैंपल होगा। सॉइल सैंपल में हम देखेंगे कि सबसे पहले हमारी सॉइल है किस टाइप की। या तो हमारी कोर्स ग्रेन सॉइल होगी या तो हमारी वो फाइन ग्रेन सॉइल होगी। अब यदि वो फाइन ग्रेन सॉइल है तो फाइन ग्रेन सॉइल पर या तो वो सिल्ट होगी या तो वो क्ले होगी, है ना। और इसका क्लासिफिकेशन हमने देखा था, इसके डिसाइड करने के लिए सिल्ट और क्ले में से हम देखते हैं वो प्लास्टिसिटी चार्ट डिसाइड करते हैं हम किसकी सहायता से? प्लास्टिसिटी चार्ट की सहायता से। ऐसे यदि हम देखते हैं कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए, तो कोर्स ग्रेन सॉइल पे या तो वो क्या होगी? या तो वो ग्रेवल होगी या तो वो सैंड होगी, है ना। या तो वो ग्रेवल होगी या तो वो सैंड होगी। अच्छा, अब इसका डिसीजन कैसे होगा? तो सबसे पहले तो हम डिसाइड कर लेंगे 50% से ज़्यादा यदि हमारा रिटेन हो रहा है। यदि जैसे हमने बात की थी ग्रेवल कितना होता हमारा, ग्रेवल का साइज होता हमारा 80 mm से 4.75 mm तक। ऐसे ही सैंड की यदि हम बात करें तो कहाँ से कहाँ तक होता है हमारा सैंड? 4.75 से 75 micron तक हमारा, है ना। यदि 50% या 50% से ज़्यादा यहाँ पर रिटेन होता तो वो ग्रेवल होगा। यदि हमारा इस रेंज पे हमारा, यदि हमारा 50% से ज़्यादा आता है तो हमारा क्या होगा? वो सैंड होगा, ठीक है। उसके बाद हमने डिसाइड किया था इसका, इसको इसके आगे क्लासीफाई किया था। तो किसके बेसिस पे किया था? परसेंटेज फाइन के बेसिस पर, परसेंटेज फाइंस के बेसिस पर। अब परसेंटेज फाइंस पे यदि हमने देखा था तो इसको तीन तरीके से क्लासीफाई किया था। लेस देन 5% यदि हमारी परसेंटेज फाइनर है तो, सेकेंड हमारे पास ग्रेटर देन 12% यदि परसेंटेज फाइनर है तो, और तीसरा हमने देखा था 5% से 12% तक। इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर देख लेंगे हम अपना वेल ग्रेडेड है या पुअरली ग्रेडेड, तो उसके लिए चेक करेंगे CU एंड CC। और हमारा इसमें भी यदि हमारे परसेंटेज फाइनर में हमारा क्ले या सिल्ट मौजूद है तो उसके लिए हम चेक करेंगे IP। तो ये हमारी प्रोसेस होगी, इस तरीके से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन पर। सबसे पहले हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारी सॉइल किस तरीके की है, है ना। तो किस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमको दे दिया सॉइल सैंपल 10 kg का। यदि हम बात करें तो हमारा ये कुछ इस तरीके से है। ये यहाँ पर हमारी 80 mm की सीव है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं ये हमारे 4.75 mm की सीव है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो हमारा 75 micron की सीव है, और ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 micron। यदि हम बात करें इस रेंज पे हमारा क्या होगा? ग्रेवल। यहाँ पर क्या होगा? सैंड। यहाँ पर क्या होगा? सिल्ट। और इससे नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास? क्ले। इसके नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा? क्ले आ जाएगा। अब यदि हम बात करें टोटल वेट कितना है इसका, तो टोटल वेट जो है इसका सॉइल सैंपल का हमारे पास वो कितना है? 10 kg का टोटल वेट है हमारे पास, 10 kg का। उसके बाद इसने बोल दिया है कि ग्रेटर देन 4.75 mm कितना है हमारे पास? 3 kg। यहाँ पर कितना हमारे पास? 3 kg। उसके बाद यदि हम बात करते हैं कि यहाँ पर कितना है, 75 micron से कम कितना हमारे पास, तो ये बोल दिया हमको कितना? 3.5 kg। अब यदि हम बात करते हैं हमको क्वेश्चन पर, और आगे जो हमको क्वेश्चन पे दे दिया है वो क्वेश्चन पे क्या क्या गिवन कर दिया है? लिक्विड लिमिट 40% और प्लास्टिक लिमिट 20%। तो यहाँ से हम IP भी निकाल सकते हैं। IP कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा, है ना। IP कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा। चलो अब यहाँ पर यदि हम देखें तो हमको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि सॉइल कैसी हमारी, कोर्स ग्रेन सॉइल है या फाइन ग्रेन सॉइल है। तो इसके ऊपर हमको पता है यहाँ से यहाँ तक कि क्या होता है हमारे पास? कोर्स ग्रेन सॉइल होती है, और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या होता है? फाइन ग्रेन सॉइल होती है, है ना, इसके नीचे। तो ये कितना हो जाएगा? जब ये 10 kg है, ये 3 kg है, ये 3.5 kg है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर जो बचेगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास? 3.5 kg, है ना। अब यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि ये टोटल कितना हमारे पास? 6.5 kg, और ये कितना हमारे पास? 3.5 kg।
अब यदि हम इसके आगे बात करते हैं तो इसके आगे जब हम देखेंगे तो हमको ये समझ में आ गया कि कोर्स ग्रेन हमारे कितने हैं, 65% है, क्योंकि 10 kg हमारे पास, तो ये कितना हो जाएगा 65%, और रिफाइंस हमारे पास जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 35%। तो हमको ये समझ में आ गया कि हमारे पास जो सॉइल है, सॉइल कैसी हमारे पास, पहली चीज़ तो हमको ये समझ में आ गई कि सॉइल कैसी हमारे पास, कोर्स ग्रेन सॉइल है, कोर्स ग्रेन सॉइल है ना। अब कोर्स ग्रेन सॉइल होगी तो या तो वो हमारे पास कैसी होगी, या तो वो ग्रेवल होगी, या तो वो क्या होगी हमारे पास, या तो वो ग्रेवल होगी या तो वो सैंड होगी। अब इस पे भी हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो ग्रेवल, ये क्योंकि ये वाला पार्ट हमारा किसका, ये हमारा ग्रेवल है और ये हमारा सैंड है, इस पे भी यदि हम देखें तो हमारा जो ग्रेवल का परसेंटेज कितना है, यदि वो निकालना चाहें तो ग्रेवल निकल के आ जाएगा कितना हमारा, 3/6.5 × 100। और यदि हम सैंड की बात करें, वैसे हमको समझ में आ रहा है कि ये हमारा सैंड ज़्यादा है, मतलब एक चीज़ तो समझ में आ गई कि सैंड ही है, लेकिन हम यदि आगे इसको सॉल्व किस तरीके से करना है, यदि चेक करें तो इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं इंटू 100। तो इनका परसेंटेज निकाल लेंगे हम, कितना कितना परसेंटेज है, 50% या 50% से ज़्यादा होगा, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा क्या है। यदि हम देखते हैं 3/6.5 तो ये आ जाएगा हमारे पास 46.15%। यदि इसकी बात करें तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 53 समथिंग, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 53.84 है ना, या 85। तो इतना परसेंटेज हमारा क्या हो गया, सेंड का। तो यहाँ से हमको समझ में आ गया कि ये क्या होगा हमारे पास, क्योंकि 4.75 से ज़्यादा हमारे यदि बात करें तो यहाँ पर ही 53.85%, मतलब 50% से ज़्यादा है, मतलब ये बोल सकते हैं कि हमारी जो सॉइल है इस पर भी क्या है हमारे पास, ये सेंड है। अब ये समझ में आ गया हमको कि हमारी जो सॉइल थी कोर्स ग्रेन सॉइल थी, कोर्स ग्रेन सॉइल में भी हमारे पास क्या थी, सेंड है। अब हमको चेक करना है परसेंटेज फाइंस, तो परसेंटेज फाइंस की यदि हम बात करें तो हमको जो दिए हुए हैं कितना परसेंटेज फाइन, 3.5, टोटल कितना था 10 kg × 100, तो कितना जाएगा 35% हमारे क्या हो जाएंगे, परसेंटेज फाइंस हो जाएंगे। अब हमने देखा था कि हमारे पास जो हमने केस पढ़े हुए थे, केस कौन कौन से पढ़े थे, लेस देन 5%, फाइव ग्रेटर देन 12% और 5% से 12%। तो हमारा जो केस दिख रहा है कौन सा केस दिख रहा है, केस नंबर 2 है ना। केस नंबर 2 हमारा क्या था, केस नंबर 2 क्या था, ग्रेटर देन 12%। तो ये दिख रहा है 35% क्या है, ग्रेटर है ना। तो यहाँ से हमको डिसाइड करना पड़ेगा आगे कि हमारी सॉइल किस तरीके की होगी, क्योंकि ग्रेटर देन 12% हो, तो अब यदि ग्रेटर देन 12% हो तो या तो उस पर सिल्ट का इफेक्ट आएगा या तो उस पर क्ले का इफेक्ट आएगा है ना, या तो इस पर सिल्ट का इफेक्ट आएगा या तो क्ले का इफेक्ट आएगा। तो इसको चेक करने के लिए क्या चेक करना पड़ेगा हमको, आईपी की वैल्यू, क्योंकि सिल्ट में क्या होती है, आईपी की वैल्यू हमारी क्या थी, लेस देन 4%, और आईपी की वैल्यू यहाँ पर क्या थी, ग्रेटर देन 7%। तो यदि आईपी की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, 20 आ रही है, मतलब हमारी सॉइल में क्या किसका इफेक्ट ज़्यादा है, क्ले का इफेक्ट ज़्यादा है, क्योंकि आईपी यहाँ पर 20% आ रहा है, तो 20% 7% से ग्रेटर है। तो हमारी सॉइल किस तरीके की हो जाएगी, तो हमारी सॉइल का जो नाम हो जाएगा, सॉइल का नाम हो जाएगा, एक तो हमको ये पता चल गया क्ले का इफेक्ट ज़्यादा है, दूसरी चीज़ सैंड है। तो जो सॉइल आ जाएगी हमारी, कैसे सॉइल आ जाएगी, SC, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, मतलब क्ले सैंड हो जाएगी, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो SC हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है हमारा, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं रफ कर रहा हूँ क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास टोटल वेट ऑफ सॉइल सैंपल, टोटल वेट सॉइल का कितना दिया हुआ है, यहाँ पर भी 10 kg दिया हुआ है, तो हम वैसे ही करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये है हमारे पास 80 mm, ये हमारे पास 4.75 mm, ये कितना हो जाएगा, 75 micron की सीव हो जाएगी, और ये हो जाएगी हमारे पास 2 micron। ठीक है, यदि हम इस पर बात करते हैं कि टोटल वेट ऑफ सॉइल सैंपल 10 kg है, ठीक है 10 kg, उसके बाद यदि हम बात करते हैं कि ग्रेटर देन 4.75 में कितना है हमारा, 2.5 kg, यहाँ पर इससे ज़्यादा हमारे पार्टिकल्स जो हैं वो 2.5 kg के हैं। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करते हैं लेस देन 75 micron, कितना हमारे पास, 1 kg। ठीक है, और हमको क्वेश्चन पर लिक्विड लिमिट दिया हुआ है, लिक्विड लिमिट कितना दिया हुआ हमको, 40%, और प्लास्टिक लिमिट हमको क्वेश्चन पर कितना गिवन है, 20%। यहाँ पर CU एंड CC भी दिए हुए हैं, CU की वैल्यू 8 दी हुई है और CC की वैल्यू 2 दी हुई है ना। अब यदि हम आगे बात करें इस क्वेश्चन पर,
तो जब ये हमारा कितना है, ये हमारा 1 केजी है, ये हमारा 2.5 केजी है, तो 10 में से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, हमारे पास आ जाएगा 3.5 माइनस 6.5, तो कितना आ जाएगा ये 3.5 केजी, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10 केजी में से, हमने क्या किया 10 में से 2.5 और 1 केजी को माइनस कर दिया, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 10 माइनस 6, हमारे पास ये हो जाएगा 3.5, तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये 6.5 आ जाएगा, है ना, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 6.5, तो 6.5, 7.5, 2.5 हमारा कितना आ जाएगा, ये पूरा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमको ये समझ में आ रहा है कि ये हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये कोर्स ग्रेन है और ये नीचे वाला क्या है, फाइन ग्रेन सॉइल है, नीचे हमारी क्या है, फाइन ग्रेन सॉइल है, तो ये कितना हो जाएगा ये 6.7, ये हो जाएगा हमारे पास टोटल 9 केजी और ये हमारे पास है 1 केजी, है ना। तो हमको ये समझ में आ गया कि ज़्यादा परसेंटेज इसका है 9 केजी, मतलब हमारी सॉइल कैसी है, कोर्स ग्रेन सॉइल है। तो पहली चीज़ तो हमको ये पता चल गई कि हमारी सॉइल कैसी है, पहली चीज़ तो हमको ये पता चल गई हमारी सॉइल कैसी है, कोर्स ग्रेन सॉइल है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, सॉइल कैसी है हमारे पास, कोर्स ग्रेन सॉइल है। अब कोर्स ग्रेन सॉइल में भी हमको पता करना पड़ेगा, या तो वो ग्रेवल होगी, या तो वो ग्रेवल होगी या तो वो सैंड होगी। तो यहाँ पर परसेंटेज चेक कर लेते हैं हम, ग्रेवल का कितना है हमारे पास, ये हमारे पास है ग्रेवल और ये हमारे पास है सैंड, तो ये कितना हो जाएगा 2.5 डिवाइड बाय 9 इंटू 100 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 6.5 डिवाइड बाय 9 इंटू 100। तो हमको ये समझ में आ रहा है 50% से ज़्यादा ही होगी, मतलब हमारी सैंड होगी, फिर भी निकाल लेते हैं हम 2.5 डिवाइड बाय 9 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा ये 27.78, है ना। उसके बाद इसको भी निकाल लेते हैं 6.5 डिवाइड बाय 9 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 72.22, ठीक है। तो ये अब यहाँ से हमको ये समझ में आ गया, जब ये 72.22% है 27, तो हमको ये समझ में आ गया कि ये हमारे पास क्या है, ये सैंड है। अच्छा, उसके बाद अब हमको क्या देखना पड़ेगा, सैंड का पता तो चल गया, हमारे पास सैंड पता चल गई, अब हम चेक करेंगे परसेंटेज फाइंस। तो परसेंटेज फाइंस की यदि हम बात करें तो परसेंटेज फाइंस को कैसे निकालेंगे, 1 डिवाइड बाय, क्योंकि ये 1 केजी है, 1 डिवाइड बाय 10 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 10%। तो परसेंटेज फाइंस हमारे पास कितने हैं, 10%। तो हमारी जो सॉइल है, जो हमारे केस हो जाएगा, कौन सा केस हो जाएगा, केस नंबर थ्री क्या था हमारे पास, कि हमारे जो परसेंटेज फाइंस है ये कहाँ से 5% से 10% तक, 12% तक, तो ये हमारा 10% इसी की रेंज में है हमारा, है ना। तो इतना तो पता चल गया हमको कि सैंड है ये, है ना। अब यहाँ पर जो हमारा जो इफेक्ट आएगा, यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि हमारी सैंड कैसी है, वेल ग्रेडेड सैंड है या पुअरली ग्रेडेड सैंड है। उसके बाद हमारी सैंड में वेल ग्रेडेड या पुअरली ग्रेडेड होने के साथ साथ उसमें किसका इफेक्ट ज़्यादा, सिल्ट का इफेक्ट ज़्यादा है या क्ले का इफेक्ट ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं वेल ग्रेडेड है या पुअरली ग्रेडेड है। तो हमको सी यू की वैल्यू क्वेश्चन पे गिवन है 8 और सी सी की वैल्यू है 2। हमको पता है वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए, वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए जो कंडीशन होती है, सी यू ग्रेटर देन 6 होता है और सी सी की जो वैल्यू होती है 1 से लेकर 3 तक वेरी करती है। तो ये हमारा क्या है, ये रेंज हमारी फॉलो हो रही है, सी यू की वैल्यू क्या है हमारी 8 है, ग्रेटर देन 6 है, तो सॉइल हमारी कैसी हो जाएगी, वेल ग्रेडेड हो जाएगी। तो यहाँ से ये समझ में आ गया कि हमारी जो सॉइल है वो कैसी है, वेल ग्रेडेड सैंड है। अब इस पर हम चेक करेंगे कि हमारा क्ले का इफेक्ट ज़्यादा है या सिल्ट का इफेक्ट ज़्यादा। तो हम चेक करेंगे वैल्यू आई पी की, यदि आई पी की वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगी तो हम बोलेंगे क्ले है, और यदि लेस देन 4 होगी तो हम बोलेंगे क्या है, सिल्ट है। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं आई पी कितना है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो लिक्विड लिमिट हमारी क्या है, हमारे पास 40 माइनस 20, तो ये कितना आ जाएगा 20। तो ये हमको दिख रहा है 7 से ज़्यादा है, तो हमारी जो सॉइल है वो कैसी हो जाएगी, क्ले हो जाएगी। तो हमको ये समझ में आ गया कि वेल ग्रेडेड सैंड के साथ साथ ये क्या है हमारे पास, इस पर किसका इफेक्ट ज़्यादा है, क्ले का। तो ये क्या हो जाएगा, एस सी, एच डब्ल्यू एस सी क्या हो जाएगी, हमारी सॉइल हो जाएगी। तो एच डब्ल्यू एस सी है हमारे ऑप्शन पर, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सीव एनालिसिस ऑन आर ड्राई सॉइल सैंपल ऑफ मास 1000 ग्राम। सॉइल सैंपल का मास हमको दे दिया यहाँ पर 1000 ग्राम, मतलब 1 केजी, 1000 ग्राम, ठीक है।
उसके बाद ये बोल रहा है सोज दैट 980 ग्राम एंड 270 ग्राम ऑफ सॉइल पास थ्रो 4.75 mm सीव एंड 0.075 mm, मतलब 75 माइक्रोन्स की सीव, मतलब 75 माइक्रोन की सीव से 270 पास हो चुका है, मतलब यहाँ पर हमारा 270 ग्राम है ये पास हो चुका है। और यदि हम बात करते हैं हमारा उसके बाद जो हमारा 4.75 mm की सीव से हमारा 980 ग्राम पास हो चुका है, मतलब मैं बोल सकता हूँ हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारा 20 ग्राम यहाँ पर आ जाएगा। यदि 980 हमारा पास हो चुका है तो रिटेन कितना हुआ होगा 475 mm के ऊपर, 20 ग्राम रिटेन हुआ होगा, है ना। अच्छा रिस्पेक्टिवली उसके बाद ये बोल रहा है लिक्विड लिमिट बता के रखा क्वेश्चन पे कितनी है, लिक्विड लिमिट 40% है, देन प्लास्टिक लिमिट कितना बता के रखा 18%, देन सॉइल का हमको नाम पूछा हुआ है ना। तो यदि ये 20 ग्राम है, ये हमारा 270 ग्राम है, टोटल 1000 ग्राम है, तो यहाँ पर कितना आएगा हमारा, है ना। हम क्या करेंगे 1000 में से माइनस कर लेंगे, माइनस 20 प्लस 270, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 710 ग्राम। यहाँ तक ये समझ में आ गया हमको, है ना। उसके बाद यदि हम बात करते हैं कि हमारी सॉइल किस तरीके की हो जाएगी, तो हमको एक चीज़ तो समझ में आ गई कि हमारी जो सॉइल है वो कैसी सॉइल है, हमारी कोर्स ग्रेन सॉइल है। यदि टोटल की बात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 730 ग्राम, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 270 ग्राम। अब इस पे से भी यदि हम बात करते हैं, जो हमारी यदि बात करेंगे तो ये कितना हमारे पास 73%, ये कितना हमारे पास 27%, है ना। यदि हम बात करें आगे की इस पे से यदि हम चेक करें तो हमको समझ में वैसे ही आ रहा है कि ये सैंड ही है हमारा, है ना। फिर भी चेक करना हो तो कर सकते, किस तरीके से चेक करेंगे इसका परसेंटेज, हमारा क्या हो जाएगा 20 / 730, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1710/730। और यदि परसेंटेज फाइंस की यदि हम बात करेंगे तो परसेंटेज फाइंस किस तरीके से निकालेंगे, 270/1000 परसेंटेज फाइनर 270/1000 × 100। तो यहाँ से ये समझ में आ जाएगा ये कितना जाएगा 27%, है ना। तो एक चीज़ तो हमको यहाँ तक सॉल्व करने में ये समझ में आ गई कि कैसी सॉइल हमारी, कोर्स ग्रेन सॉइल है। कोर्स ग्रेन सॉइल के साथ साथ हमको ये समझ में आ गया कि ये सॉइल कैसी है, सैंड है, है ना, क्योंकि हमारा सैंड का परसेंटेज ज़्यादा है ना। ये कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करने में, तो सॉल्व करने में कितना आ जाएगा ये 200, इसको सॉल्व करने में कितना आ गया 97.26%, है ना। तो ऊपर वाला कितना आ जाएगा, ऊपर वाला आ जाएगा 2.73%। तो 50% से ज़्यादा, मतलब 97% है, तो हमारी कैसी है, सैंड है ये। उसके बाद यदि हम बात करते हैं आगे, हमको ये चेक करना है कि ये सैंड तो आ गई। अब परसेंटेज फाइन की यदि हम बात करें तो हमको पता है कौन सा केस लगेगा, परसेंटेज फाइनर हमारा कहाँ से कहाँ तक है, ग्रेटर देन 12% वाला केस लगेगा। अब यदि ये ग्रेटर देन 12% है तो हमको चेक करना पड़ेगा कि हमारी सॉइल किस तरीके की है ना, कि हमारी सॉइल किस तरीके की है। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे क्या हमारा, यहाँ पर चेक करेंगे हम कि यदि ये ग्रेटर देन 12% तो किसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, यहाँ पर चेक करना पड़ेगा क्ले का इफेक्ट ज़्यादा है या सिल्ट का इफेक्ट ज़्यादा है। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या निकालेंगे आईपी, तो आईपी कितना आ जाएगा इस पर से यदि हम देखें तो लिक्विड लिमिट हमको क्वेश्चन पे कितनी दी है 40% और 80%, तो WL - WP, तो ये हो जाएगा हमारे पास 40 - 18, तो ये कितना जाएगा, ये हमारे पास 40 - 18, तो यदि ये कितना जाएगा 22, तो आईपी की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 22। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं आईपी ग्रेटर है हमारा 7 से, तो हमारी ये क्या हो जाएगी, क्ले हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, क्ले हो जाएगी। जब ये क्ले हो जाएगी तो हमको ये पता चल गया, एक तो ये सैंड है और ये क्ले है, तो हमारे हमको ये पता चल गया किस तरीके की सॉइल हो जाएगी, SC क्ले ही सैंड हो जाएगी, है ना। तो ऑप्शन में हमको मिलेगा SC, तो SC हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है, ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट अ सॉइल सैंपल परसेंटेज फाइनर देन 4.75। पहले तो हम ये बना लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 80 mm, 4.75 mm, 75 micron and 2 micron,
और इससे छोटा हमारा क्या हो जाएगा, ये ग्रेवल सैंड क्ले सिल्ट, सिल्ट क्ले है ना। तो लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट आ सॉइल सैंपल परसेंट इज फाइनर देन 4.75 mm 60, है ना, कि 4.75 से कितना पास हो चुका है हमारा, 60% पास हो चुका है। मतलब हम बोल सकते हैं कि इसका जो वैल्यू है जो इस पर रिटेन होगा वो कितना होगा, 40% होगा। ये क्वेश्चन पे हमको बता दिया पहली चीज़, है ना, परसेंट इज फाइनर देन 4.75 60, तो हमारा जो रिटेन हुआ इस पर कितना रिटेन हुआ होगा, 40 रिटेन हुआ होगा। परसेंट इज फाइनर देन 0.0075 कितना है, 30। मतलब यदि हम बात करें यहाँ से यहाँ तक जो इससे पास हो जा रहा है वो कितने हैं हमारे पास, 30%, है ना। तो जब ये यदि बात करें ये टोटल यदि इससे इससे नीचे यदि हम बात करें कि ये हमारा कितना है 30%, तो ऊपर कितना होगा हमारा, ऊपर हमारा होगा कितना, 70%। परसेंटेज फाइनर यदि हम बात करें कि 75 माइक्रोन से जो पास होगा वो कितना है, 30% है, तो ऊपर कितना होगा, 70%। और उसके बाद ये भी बता दिया था कि यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना, 40% है। मतलब 60% यहाँ से पूरे यहाँ से यहाँ तक जो 60% पास हो चुके हैं, पूरे में 60% पास हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर रिटेन जो होगा कितना होगा, 40%। उसके बाद जो यहाँ से पास हुए हैं वो कितने, 30%। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो होंगे ये यदि ये 70% है, ये 30% तो ये 70% होगा, और जब ये 70% है तो यहाँ पर कितना होगा, ये यहाँ पर ये कितना होगा, ये हमारा होगा 30%, है ना। ये हो गया हमारे पास ग्रेवल, ये हो गया हमारे पास सैंड, ये हो गया हमारे पास सिल्ट, और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास क्ले, है ना। यहाँ तक की चीज़ समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आ गया। उसके बाद हमको क्वेश्चन में बोल दिया क्या, लिक्विड लिमिट बता दी, प्लास्टिक लिमिट बता दी, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट हमको बता दिया, और हमको बताना है कि सॉइल किस तरीके की है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से ये समझ में आ रहा है हमको कि ये ग्रेवल का परसेंटेज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ये, यदि 70% है तो 35% या 35% की यदि बात करें तो 50% हो तब होता जब ये 35 होता, लेकिन ये 50% से ज़्यादा है, मतलब ये 40% या 30% है हमारा, है ना, मतलब 50% से ज़्यादा है ये। इसका बस पार्ट यदि इन दोनों में देखें तो जब ये 70% है जिसमें से ये 40% है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारे पास जितना ही पोर्शन होगा यदि 70 में से ये 40% है, मतलब 50% ज़्यादा यही है, मतलब इसकी वैल्यू हमारी ज़्यादा होने वाली है। मतलब हम बोल सकते हैं यदि ये 30 है, ये 40 है, यदि इसको इस तरीके से ले लो कि ये 70% है, तो ये 30% होगा, ये 40% होगा। अब किसका परसेंटेज ज़्यादा है, इसका परसेंटेज ज़्यादा है, तो हमको सबसे पहले तो ये पता चल गया, इससे पता चला कि सॉइल कैसी है, कोर्स ग्रेन सॉइल है। पहले तो ये पता चल गया सॉइल कैसी है, कोर्स ग्रेन सॉइल है। अब कोर्स ग्रेन सॉइल में भी ये पता चल गया कि सॉइल कौन सी है, ग्रेवल है, है ना, क्योंकि 50% से ज़्यादा हमारा 4.75 mm की सी पर रिटेन है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारी सॉइल कैसी है, ग्रेवल है। अब ग्रेवल के बाद हमको पता करना पड़ेगा परसेंटेज फाइनर देख लें, तो परसेंटेज फाइनर की यदि हम बात करें तो परसेंटेज फाइनर हमारा ग्रेटर देन 12% है, मतलब ये 30% है, तो ये क्या है, ग्रेटर देन 12% है ना, ग्रेटर देन 12% है। तो अब हमको चेक करना पड़ेगा कि सिल्ट का इफेक्ट ज़्यादा है या क्ले का इफेक्ट ज़्यादा है, सिल्ट का इफेक्ट ज़्यादा है या क्ले का इफेक्ट ज़्यादा। तो इसके लिए चेक करेंगे हम आईपी की वैल्यू, आईपी की वैल्यू यदि ग्रेटर देन 7 होगी तो हमारी क्या होगी, क्ले होगी, और आईपी की वैल्यू लेस देन 4 होगी तो हम बोल सकते हैं क्या होगी, हमारे पास सिल्ट होगी, है ना, ये क्ले है और ये सिल्ट है। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं हम किसका इफेक्ट ज़्यादा, आईपी हमारे पास क्या है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, तो आईपी की वैल्यू यहाँ से चेक कर लेते हैं हम, तो कितना जाएगा ये, आईपी आ जाएगा हमारे पास 35 माइनस 27, तो ये कितना आ जाएगा, 3, और ये 8 आ जाएगा आईपी, आईपी कितना जाएगा, 8 आ जाएगा। मतलब ये 8 हमारा ग्रेटर है 7 से, मतलब हम बोल सकते हैं क्या है, ये क्ले है। तो हमारी जो सॉइल हो जाएगी, एक तो क्ले है और दूसरी हमारी क्या है, ग्रेवल है। तो जो हमारी सॉइल आ जाएगी वो कैसी आ जाएगी हमारे पास, जी सी, क्ले ग्रेवल, कैसी सॉइल आ जाएगी, क्ले ग्रेवल, क्ले ग्रेवल ऑप्शन में है क्या, हाँ ये है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यदि वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।